वंदे मातरम शिक्षक साथियों, विशेषकर संस्था प्रधान महोदय और जो भी शाला दर्पण का काम करते हैं उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसे कि आपको बताया, विद्यालयों में कंप्यूटर अनुदेशक के जो भी पद है उनके ऊपर नियुक्ति की गई है और उनको ज्वाइनिंग ऑर्डर भी दे दिया गया है। अब आपको उनको शाला दर्पण पर कैसे ज्वाइनिंग करवानी है, ऑफलाइन करवानी है, ऑनलाइन करानी है, उसके संबंध में क्या निर्देश है और किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको चेक करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे बेसिक कंप्यूटर को जो जिला आवंटन के बाद में इनको जो भी आदेश है इसमें लिखा हुआ है कि 2 वर्ष के प्रोबेशन पे नियत मानदेय पे इनको नियुक्ति दी जाकर उनके सम्मुख विद्यालय में रिक्त पद पदस्थापित किया गया है। अब इसके लिए इनका जो मानदेय है वो लेवल 8 के अनुसार 18,500 रुपये होगा और अगर मान लो कोई कार्मिक पूर्व में सेवारत है तो उसको जो भी मानदेय नियत मानदेय जो मिल रहा है वही मिलेगा और प्रोबेशन के पीरियड में जो भी ये अन्य भत्ते यथा जैसे महंगाई भत्ता है, मकान किराया है, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता वगैरह, ये सारा बोनस वगैरह कुछ भी दे नहीं होगा। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करने हैं और उसके बाद में शाला दर्पण पे कैसे कार्यग्रहण करवाना है, तो सबसे पहले तो इनके द्वारा जो भी शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यता है, आयु, जाति, आरक्षण संबंधी अन्य दस्तावेज है उनको आपको मूल दस्तावेजों से मिलान करना और इसकी एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखनी है। कोई भी भिन्नता या संदेह की स्थिति में पाए जाने पर आपको नियुक्ति के जो अधिकारी है कार्यालय उसको सूचित करना है और उसके बाद ही कार्यग्रहण करवाना है। दूसरा, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्राप्त करना है, ओरिजिनल प्राप्त करना है और कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखना है, इसके विभाग में नियुक्ति कार्यग्रहण नहीं करवाया जाए। और पूर्व में जो राज्य की सेवा में कार्यरत अगर कार्मिक है तो उनको इसकी आवश्यकता नहीं होगी, यानी उनको चिकित्सा प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है, नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत और सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जाए। इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जाए। पूर्व से राज्य की सेवा में अगर कोई कार्मिक कार्यरत है तो उनके लिए पुलिस अधीक्षक का जो सत्यापन है वो जरूरी नहीं होगा। अगला पॉइंट है कि नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 95/8/4/2003 के अनुसार अभ्यर्थी से दिनांक 1/6/2002 या उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का शपथ पत्र आपको निर्धारित जो भी प्रारूप है 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आवश्यक रूप से प्राप्त करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला इम्पोर्टेंट है कि राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता की वैधता की जाँच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है। अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की शैक्षणिक संस्थाओं से शैक्षिक या प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता वैध या मान्य पाए जाने के दिन रहेगी प्रदान की जाती है। और तो नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि उनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता वैध है, मान्य नहीं पाएगी तो उन्हें प्रदत्त नियुक्ति निरस्त करने और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है वो संबंधित विभाग के पास सुरक्षित रहेगा और ऐसी स्थिति में ये नियुक्ति है वो निरस्त की जा सकेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें, एक तो मैंने आपको बता दी कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी चिकित्सा प्रमाण पत्र लेना है, पुलिस अधीक्षक सत्यापन प्रमाण पत्र लेना है, शैक्षिक प्रशैक्षिक जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको चेक करने हैं, संतान संबंधी घोषणा 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लेनी है और अगर बाहर से कोई योग्यता है राज्य से बाहर की तो उनको शपथ पत्र 50 रुपये का नॉन जुडिशियल पे लेना है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है कि कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से ये स्पष्ट शपथ पत्र ले लें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ और दस्तावेज सही है, त्रुटिपूर्ण, जाली या कूट रचित पाए जाने पर उसकी नियुक्ति है वो निरस्त की जा सकेगी और उसके लिए विभाग है वो कार्रवाई कर सकेगा। इसके अलावा कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा, छाया चित्र यानी फोटो से मिलान करना सुनिश्चितता कर ली जाए कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करे जिसका आवेदन पत्र छाया चित्र फोटो पर चस्पा है, यानी इसके लिए संबंधित CBO कार्यालय में इनके जो फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म है वो आ चुके हैं और संबंधित विद्यालयों को भिजवाए जा रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में चयनित यानी EWS में अगर कोई चयनित है तो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र नियमानुसार और निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिए और सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो उसके उपरांत ही जांच की जाए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी जो भी अधिकारी द्वारा कार्य जो भी प्रमाण पत्र है वो अनिवार्य है और इसके अलावा व्यक्ति अगर नॉन क्रिमी लेयर का नहीं है और वो सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए और यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमी लेयर में आता है तो उसका आवेदन है आगामी अगर जो भी कार्रवाई है उसके लिए कार्यालय को भेजा जाए। और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो भी मान्यता प्राप्त आय प्रमाण पत्र है मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम और पति की आय के आधार पर जारी किया गया है
यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, ये विशेष ध्यान रखें। परंतु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र विवाह के पश्चात बना हुआ है प्रस्तुत करे तो मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया जाए और इसकी सूचना तत्काल कार्यालय को दी जाए। तो ये भी पॉइंट थोड़ा सा गौर कर लें। हालांकि जो भी कार्यग्रहण आदेश उसमें ये सारे लिखे हुए हैं, और कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार धूम्रपान गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी जो वचनबद्ध अंडरटेकिंग है वो भी निर्धारित प्रपत्र में लेनी है। इसके अलावा विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, और यदि विवाह पंजीयन अनिवार्य करने से प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी 50 रुपये का नॉन जुडिशियल शपथ पत्र है वो लिया जाए और दर्ज नहीं लिए जाने का स्वघोषणा प्राप्त की जाए। इसके अलावा पदस्थापित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व उनकी पात्रता, आयु, आरक्षण संबंधी दस्तावेजों की जांच अवश्य कर लें, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र नियमानुसार और निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण यानी प्रोबेशन ट्रेनिंग की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां नियमानुसार की जाएगी। इसके अलावा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण यानी 2 साल की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा, यानी इंक्रीमेंट नहीं लगेगा 2 साल तक। और परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि कैलेंडर में 1 वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक के अनुसार दिया होगा। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो सभी संस्था प्रधान या जो भी नियुक्ति अधिकारी जो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे उनको एक विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आपको मैं बता दूं कि शाला दर्पण पे आपको कार्यग्रहण कैसे करवाना है। इसके लिए आपको शाला दर्पण का जो भी टैब है कार्मिक वाला, इसमें आपको जाना है, और कार्मिक टैब में जाने के बाद में आपको यहाँ एक मॉड्यूल मिलेगा कार्मिक कार्यग्रहण 3A, प्रपत्र 3A में कार्यग्रहण जो कार्मिक का कार्यग्रहण का जो ऑप्शन है इसमें आपको जाकर के कार्यग्रहण करवाना है। कैसे कार्यग्रहण करवाना है उसके लिए संबंधित जिला कार्यालय द्वारा विद्यालय में जो भी कैंडिडेट का जो काउंसलिंग हुई है उनकी मैपिंग कर दी गई है और सूचना आपके उसमें शो हो जाएगी शाला दर्पण पे। तो वो आपको कैसे करनी है मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ। तो मैं बता रहा था इसके लिए आपको कार्यग्रहण कार्मिक 3A में आपको क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो ऊपर नोटिस ये आ रहा नोट कि नई प्रविष्टि विद्यालय लॉगिन से बंद कर दी गई है, नई प्रविष्टि संबंधित जिला लॉगिन से ही होगी। अब इसमें जैसे आप सबसे पहले आप देख लें कि आपके विद्यालय में कंप्यूटर अनुदेशक का जो भी पद है वो है या नहीं है। तो यहाँ जैसे आप 3A प्रपत्र देखेंगे तो इसमें जितने भी पोस्ट सेंक्शन है वो आपके यहाँ शो हो जाएगी, सब्जेक्ट शो हो जाएगा, सेंक्शन पोस्ट शो हो जाएगी और एंट्री, यानी जैसे ये पोस्ट सेंक्शन है लेकिन वैकेंट है। अगर मान लो ये पोस्ट सेंक्शन है और यहाँ कार्मिक कार्यरत है तो यहाँ संख्या 1 और 1 आ जाएगी। जितने भी पद है, अब जैसे यहाँ थर्ड ग्रेड के लेवल 1 के 5 पद है जिसमें से 2 कार्यरत है, इसका मतलब 3 वैकेंट है। अब यहाँ बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर इसका 1 पद है और अभी वैकेंट है। तो अब जैसे यहाँ कार्यग्रहण के लिए आपको यहाँ से जैसे ये ज्वाइनिंग आफ्टर लीविंग इसमें नहीं आएगा, लेकिन इसके नीचे जो ऑप्शन है ये ज्वाइनिंग फ्रॉम ऑफिस है इसमें भी नहीं होगा। तो आपको यहाँ से कार्यग्रहण वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको, जैसे मैं आपको दोबारा एक बार करके बता देता हूँ, जैसे यहाँ कार्यग्रहण पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ज्वाइनिंग फ्रॉम काउंसलिंग इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ कार्मिक का नाम शो हो जाएगा, डेजिग्नेशन यानी पद शो हो जाएगा, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जेंडर शो हो जाएगा और डेट ऑफ बर्थ शो हो जाएगी। अब इस पर आपको जो भी कार्मिक आपके यहाँ नियुक्ति का आदेश जारी हुआ है उनका नाम आपके शाला दर्पण पे शो हो रहा है। अब यहाँ से नाम के पे ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से सबसे पहले आपको बजट एड बनना है। तो बजट एड इनके लिए फिक्स है कि 22020207890101 है, और बजट टाइप में आपको यहाँ सेंट्रल असिस्टेंट का ये पद है ये भर देना है। एम्प्लॉय नेम में कार्मिक का नाम लिख देना है, एम्प्लॉय आईडी अभी जैसे बनाई है तो ठीक है, ऐसे तो अभी शुरू में नहीं बनाई है तो आप ए वाली वो डिफॉल्ट 99 करके कर सकते हैं, उसके बाद इसको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करनी है यहाँ कैलेंडर से, जेंडर आपको मेल फीमेल जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर कार्मिक जो ज्वाइन करने आ रहे हैं उनका सेलेक्ट करना है, और इसके अलावा ऑर्डर किसने ऑर्डर किया है, जैसे जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने किया है या जिसने भी किया है उनका यहाँ से आपको नाम एंटर करना है। और यहाँ से जैसे जिसका भी ऑर्डर है, अगर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा का तो वो कर लें, जो भी ऑर्डर वो आप देख करके कर लें, आदेश संख्या कर लें, आदेश की डेट कर लें, यहाँ से कैलेंडर से सेलेक्ट करें कि किस तारीख का आदेश है। इसके बाद में ज्वाइनिंग कब हो रही है, तो ज्वाइनिंग आप जैसे अभी जैसे मैं ये 14 तारीख को वीडियो बनाऊँ तो हो सकता है 15 से ज्वाइनिंग हो, तो जो भी ज्वाइनिंग है वो प्लस यहाँ आपको बिफोर नून या आफ्टर नून, मध्यान्ह पूर्व अगर कार्यग्रहण करें तो बिफोर नून और मध्यान्ह पश्चात करें तो कार्य आफ्टर नून आपको सेलेक्ट करना है। और टाइप ऑफ करंट एम्प्लॉई, एम्प्लॉय का जो करंट है वो यहाँ आपको जैसे परमानेंट, रिटायर्ड, सैलरी ड्रॉन एंड वर्किंग अदर प्लेस, और कार्यक्रम के लिए आदेश प्राथमिक शिक्षा कार्मिक, संविदा या अस्थायी, टेम्प्रेरी या
रेपुटेशन बाई आरसीएससी, तो यहाँ से जैसे परमानेंट है तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ भरेंगे। इसमें आपको अपॉइंटमेंट पोस्ट है, ये अपॉइंटमेंट पोस्ट आपकी कौन सी है, तो ये जैसे यहाँ से आपको कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ से बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर सेलेक्ट कर लेना है। कंप्यूटर जैसे यहाँ से आप जो भी पोस्ट है वो आप यहाँ से देख लें, और उसके बाद में जिस भी पोस्ट पे ये कार्मिक नियुक्त हुए हैं वो पोस्ट आप चेक करनी है, और अपॉइंटमेंट पोस्ट आपको देखनी है कि जिस पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है वो पोस्ट, और तो ये दोनों सेम होनी चाहिए। और यहाँ से जैसे आप सेलेक्ट कर लें एक बार पोस्ट, और उसके बाद में यहाँ से मैं एक बार जैसे पोस्ट आपको सेलेक्ट करके बता देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ लिस्ट में सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपके सामने बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाला ये पद आ जाएगा। इसमें दोनों हैं, अगर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, तो अगर वरिष्ठ है तो सीनियर ज्वाइन सेलेक्ट कर लें, और नहीं तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यहाँ से सेलेक्ट कर लें। और यहाँ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको सेव करना है, ये सारी डिटेल्स भर के आपको यहाँ से सेव करना है। तो इस तरीके से आपको कार्यकरण कराना है। फिर इसकी कार्यकरण रिपोर्ट है वो आपको संबंधित जो भी CBO या DO जो जिन्होंने आदेश जारी किया और जो भी उच्च अधिकारी है उनको आपको प्रसिद्ध करनी है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक या वरिष्ठ अनुदेशक जो भी है उनको किस तरीके से कार्यक्रम करवाना है, क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।